सिलेक्शन माइंड के वीडियो में आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। इसके बारे में पहले ही हमने एक वीडियो में बात की थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लें। भारत की आज़ादी में कई व्यक्तियों समूहों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जहाँ एक तरफ शांतिवादी विचारधारा के व्यक्ति महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि थे, वहीं दूसरी तरफ क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि का भी भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं दूसरी ओर रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती जैसी महान वीरांगनाएं जो अपनी स्वाधीनता के लिए अपने सामने आई विराट चुनौतियों से भी नहीं घबराई। उसी प्रकार भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों में आदिवासी नेताओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत को आजाद कराने का स्वप्न देखने वाले व्यक्ति देश के किसी एक स्थान पर केंद्रित नहीं थे, अपितु भारत को आजाद कराने के लिए गतिविधियां संपूर्ण देश में ही हो रही थीं। भारत का हृदय प्रदेश कहे जाने वाला मध्य प्रदेश भी इस क्रांति से अछूता नहीं था। आदिवासी वर्ग में भी कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज हम ऐसे ही महान क्रांतिकारी आदिवासी नेताओं की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास के कुछ विषय हमने पहले ही पढ़े हुए हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन्हें भी जाकर देख लें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आदिवासी क्रांतिकारी नेता टाट्या भील के बारे में। टाट्या भील का नाम सबसे बड़े व्यक्ति के रूप में लिया जाता है और ये एक बहुत बड़े योद्धा थे। आज भी बहुत आदिवासी घरों में टाट्या भील की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि टाट्या भील को सभी जानवरों की भाषा आती थी। टाट्या भील को आदिवासियों ने देवता की तरह माना था। आदिवासी जन आज भी कहते हैं कि टाट्या भील को अलौकिक शक्तियां प्राप्त थीं। इन्हीं शक्तियों के सहारे टाट्या भील एक ही समय पर 1700 गांवों में ग्राम सभा लिया करते थे। इन्हीं शक्तियों के कारण अंग्रेजों के 2000 सैनिकों के द्वारा भी टाट्या भील को कोई पकड़ नहीं पाता था। टाट्या भील देखते ही देखते अंग्रेजों के सामने ओझल हो जाते थे। कहा जाता है कि टाट्या भील लाखों आदिवासी झगड़ों को ग्राम सभा में मिलकर ही हल कर लिया करते थे। इनके पिता का नाम भाऊ सिंह भील था। टाट्या भील मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 1842 में खरगोन के बिरी नामक स्थान में हुआ था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की शोषण, उनके साम्राज्य विस्तार के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई तथा विद्रोह किया। टाट्या भील को इंडियन रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता था। अंत में अंग्रेजों द्वारा 1890 में उन्हें फांसी की सजा जबलपुर में दे दी गई। टाट्या भील की समाधि पाताल पानी नामक स्थान पर है। इस प्रकार मध्य प्रदेश में जनजातियों में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने वाले टाट्या भील प्रथम व्यक्ति थे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अगले आदिवासी क्रांतिकारी नेता का नाम है भीमा नायक। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध आदिवासी नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे भीमा नायक। इनका जन्म मध्य प्रदेश के बड़वानी नामक जिले में हुआ था। 1857 की क्रांति में इन्होंने टाट्या टोपे को नर्मदा नदी के उस पार तक भेजने में सहायता प्रदान की। अंग्रेजों के कुप्रशासन, ग्रामीणों के शोषण तथा जनजाति अधिकारों में हस्तक्षेप करने के कारण उन्होंने अंग्रेजों से विद्रोह किया। 1857 में आमना पानी के युद्ध में गोरिल्ला पद्धत से उन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया। अंत में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर काले पानी की सजा सुनाई तथा इसी सजा के दौरान पोर्ट ब्लेयर में ही इनकी मृत्यु हो गई। अगले आदिवासी क्रांतिकारी नेता का नाम है गंजन सिंह कोरकू। कोरकू समुदाय के प्रसिद्ध आदिवासी नेता एवं राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति। उन्होंने बैतूल जिले में घोड़ा डोंगरी एवं सिवनी के टिगुरिया में जंगल सत्याग्रह 1930 चलाया।
इन्होंने जंगलों को बचाए रखने के लिए व्यापक स्तर पर जुलूस निकाले व अंग्रेजों से संघर्ष किया। इस संघर्ष में उनका साथी कोमा, रामू व मंडूक आदि शहीद हो गए। ध्यान दें, घोड़ा डोंगरी 1930 में, इसे जंगल सत्याग्रह भी कहा जाता है। अंत में अंग्रेजों ने गंजन सिंह कोरकू को पकड़कर कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त ख्वाजा नायक, जो कि भीमा नायक के संबंधी हैं, 1857 की क्रांति में इन्होंने भी अंग्रेजों से विद्रोह किया। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने जाना मध्य प्रदेश के प्रमुख आदिवासी क्रांतिकारी नेताओं के बारे में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें।